नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बड़वानी से आपको बता रहे हैं, जहां कस्तूरबा कन्या आश्रम में डायरिया फैल गया है। उल्टी, दस्त और बुखार से यहाँ की छात्राएं पीड़ित बताई जा रही है। कुल 44 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 10 छात्राओं का इलाज किया जा रहा है, 4 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अधिकारियों ने छात्रावास का निरीक्षण किया, भोजन और पानी के सैंपल यहां से लिए गए कि आखिरकार क्या गड़बड़ हो गई। निवाली कन्या कस्तूरबा आश्रम का ये मामला है। छात्राओं को एडमिट किया गया है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ड्रिप लगी हुई है और यहाँ खाने और पीने के पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। सुबह से अभी तक हमारे पास 44 बच्चे लड़कियां कस्तूरबा कन्या आश्रम निवाली की यहां भर्ती हो चुकी है, जो उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर आई थी। 2 बच्चे सुबह सुबह आए थे 8 बजे करीब, उनमें से 2 बच्चे दोनों रेफर हुए थे जिला चिकित्सालय बड़वानी के लिए। उसके बाद में मामला शांत था, लेकिन दोपहर में 12 बजे के बाद से फिर अचानक से बहुत सारे बच्चे आए, जो टोटल आंकड़ा हमारे पास 44 हुआ था, उसमें से 8 बच्चे ऐसे थे जिनको हमको भर्ती करना पड़ा था। भर्ती करके जिनका हमने उपचार किया है, उपचार अभी भी चल रहा है, और 2 बच्चों का भी हम जिला चिकित्सालय बड़वानी के लिए। तो बड़वानी से हमारे सहयोगी पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर। पंकज, खाने या पीने के पानी में ही कोई गड़बड़ रही होगी, तभी हॉस्टल की छात्राएं बीमार पड़ गई हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है अपर्णा, कि जिस तरीके का मामला सामने आया उससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन ने भी वहां पहुंचकर सबसे पहले भोजन और पानी के सैंपल लिए हैं। तो ये तो साफ इशारा इस तरफ ही कर रहा है कि कहीं न कहीं जो डायरिया फैला है वो भोजन या पानी के माध्यम से ही बच्चों में गया है, और यही कारण रहा है कि 44 बच्चियाँ जो हैं उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित हुई हैं। हालांकि प्रशासन ने समय रहते बात को संभाला है और सभी बच्चियों को उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया। वहीं से जिन बच्चियों में 4 बच्चियों की स्थिति जो है वो गंभीर थोड़ी सी बताई जा रही है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर यहां के चिकित्सकों के द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है उन बच्चियों की इलाज को किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी होता है, चूंकि बारिश का समय है और ऐसे समय पर एक बहुत जरूरी चीज होती है हाइजीन की, और इसी को लेकर के प्रशासन ने वहां पर निगरानी की, हर चीज का सैंपल लिया है और इस बात की ओर इंगित भी किया है कि बच्चियों को भोजन से पहले हाथ को साफ करना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था जहाँ की जा रही है वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदगी तो नहीं है, भोजन जो है वो हाइजीन तरीके से बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सभी पहलुओं की जाँच की प्रशासन जो है बात कर रहा है, और इन पूरी जांचों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये डायरिया फैलने का कारण क्या रहा है। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में भी नेम प्लेट वाली मांग उठ रही है। 2 विधायकों ने सीएम मोहन यादव से मांग की है, एमएलए रमेश मेंदोला और एमएलए गोलू शुक्ला ने मांग की है। दुकान के सामने दुकानदार अपना नाम लिखे, अपनी नेम प्लेट लगाए, सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी ऐसा लागू होना चाहिए, ये मांग की गई है। एमपी में यूपी मॉडल की मांग होने लगी है, यानी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखा हो, इसे लेकर मांग की गई है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने से दुकान और दुकानदार दोनों की गुडविल बनेगी। रमेश मेंदोला की मांग का बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने समर्थन किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते की दुकानों पर मालिक का नाम लिखा हो। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस मटन की दुकानों पर पाबंदी की भी विधायक ने मांग की। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान
उसको भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग से मास्क की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने भी दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे होने की मांग का समर्थन किया। पुष्य मित्र भार्गव ने कहा कि प्रदेश में अगर नियम बनता है तो ये अच्छी बात है। कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ति है? नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोपराइटर का नाम लिखना है, तो अपने संस्थान का नाम और प्रोपराइटर का नाम यदि लिखते हैं तो अच्छी बात है, पता रहे ना। मान लो किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी हो, ग्राहकों के नियम का उल्लंघन हो, तो वो ग्राहक किस प्रोपराइटर को नोटिस दे, ये मालूम होना चाहिए। और अगर रमेश मेंदोला जी ने इस बात के नियम नहीं है और नियम बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है तो ये स्वागत योग्य है। बीजेपी जहां रमेश मेंदोला की मांग का समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को पत्र लिखा और बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग, ये बेहद आपत्तिजनक मांग है। और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। कई जगह हमने ऐसी देखी जहां मिड डे मील तक में भी क्योंकि दलित समाज की महिलाओं ने वो भोजन बनाया तो उसको खाने से बच्चों ने मना कर दिया है। और लगातार दलितों के द्वारा जो भोजन बनाने वाली संस्थाएं हैं, कई बार उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये जो मांग की है, ये मांग गलत है। कांग्रेस भले यूपी की तर्ज पर खाने पीने की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे होने की मांग को चिंताजनक बता रही हो, लेकिन ये नियम पहले से है और इसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ही बनाया था। क्या है नियम? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाइसेंस का प्रावधान, फूड लाइसेंस ऐसी जगह हो जहां देखा जा सके, 12 लाख के टर्नओवर पर लाइसेंस लेना अनिवार्य, 12 लाख से कम टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, फूड लाइसेंस ना होने पर 10 लाख का जुर्माना। 2011 में प्रावधानों को किया गया लागू। कांवड़ यात्रा को लेकर खाने पीने की दुकानों के नाम को लेकर यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था। आदेश विवाद से बचने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई और अब इसकी आंच एमपी तक पहुंच गई है। हालांकि नियम पहले से हैं और विरोध करने वाली कांग्रेस भी इसे जानती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो रमेश मेंदोला के पत्र पर कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को पत्र लिखा है, बीजेपी पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है, दलितों पर पूर्वग्रह की आशंका जताई है, एमपी में यूपी मॉडल की मांग चिंता का विषय है। यह कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। विधायक मालिनी गौड़ ने भी दुकानों पर नेम प्लेट की मांग का समर्थन किया है। तो बीजेपी के विधायक समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस विरोध कर रही है। खुला बोल रही हूं कि जिस तरह से दुकानों पर अपना नाम छुपाकर जो दुकानें चला रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और मांस मटन की जो दुकानें खुली दुकानें जो बिल्कुल ओपन तरीके से लोग बेचते हैं उसको कवर्ड करने का निर्देश भी जारी किया था, तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए और नाम की पहचान तो होना ही चाहिए। हर चीज़ पे थूक डालकर जो बेचते हैं उसमें सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। खासकर बेटियों से निवेदन करती हूँ कि इनके जाल में ना फंसे। जिस प्रकार से अपना नाम छुपाकर जो बरगला कर बच्चियों को ले जाते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में स्थित होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जाने लगी है। इस मामले में महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज का कहना है कि सभी प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं। इस मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि कुछ होटल संचालकों के खिलाफ FIR की गई है,
कुछ होटल संचालक अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कारण है कि जब हमारे देखते हैं, आप देखते हो सारे नगर में मकान हमने बनाए तो उसमें मालिक का नाम लिखा रहता है और मोहल्ले का नाम लिखा रहता है, तो जब जो प्रतिष्ठान है उन प्रतिष्ठानों के ऊपर भी नाम होना चाहिए कि जो इसका मालिक कौन है, इसका प्रोपर्टाइट कौन है। कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना, जितने भी प्रोपराइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे। आएगा निवेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। जबलपुर में निवेश के लिए देश दुनिया के निवेशक जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम के साथ साथ प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौजूद रहे। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों के साथ ही 3500 से ज्यादा उद्योग जगत से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 60 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन किया और इस मौके पर निवेशकों के साथ आमने सामने की चर्चा भी हो रही है। निवेशकों में अडानी समूह के डिफेंस यूनिट देख रहे अशोक वाधवान, सैन्य वाहन निगम लिमिटेड के CMD संजय द्विवेदी, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, साथ ही जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर, तो वहीं शिवपुरी में बारूद फैक्ट्री लगाई जाएगी। से बैठ करके कोई भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग ऐसे डिफेंस का ये AVNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2,500 करोड़ का निवेश किया जाए, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 700 से अधिक बायर सेलर मीट की गई है, इसमें 30 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई है, 15 राज्यों से निवेशक आए। उधर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा कि सरकार का कदम भविष्य में उद्योगों को बढ़ाएगा, साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर क्षेत्र में महाकौशल में अपार संभावनाएं हैं। जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए और सभी को इसकी जानकारी दी। जबलपुर में तकरीबन 3,500 इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बात हुई और क्या उन्हें संभावनाएं लगती। सर, आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें क्या आपको लग रहा है कि भविष्य की संभावनाएँ? भविष्य की काफ़ी संभावनाएँ हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम एक स्किल सेंटर बना रहे हैं, यहाँ पे आज उन्होंने लॉन्च करा है, साथ ही साथ एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी जबलपुर में लॉन्च कर रहे हैं उमरिया में, तो संभावनाएं तो काफ़ी हैं और काफ़ी लोकार्पण और MOUs भी हुए हैं, तो सपोर्ट तो गवर्नमेंट का लैंड अलॉटमेंट और इन सब चीज़ों में काफ़ी है। आप किस सेक्टर में वर्क? हम लोग इथेनॉल सेक्टर में, हमारा इथेनॉल का प्लांट है मनेरी में, जबलपुर में हमारा, अभी हम लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया है इथेनॉल का प्लांट। अगर बात करें महाकौशल की तो कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं रोजगार को लेकर के या उद्योगों को लेकर के आज के कॉन्क्लेव? मुझे लगता है कि इस सब एक्टिविटी से करीब 10 से 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगी लॉन्ग टर्म में। तो ये हैं जिनका कहना है कि 10 से 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। सर, किस सेक्टर में? मेरा तो वैसे सॉफ्टवेयर IT सेक्टर है, और लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, पहली बार ऐसा कोई इवेंट हुआ है। और मैं इंदौर से हूँ तो इंदौर में तो हमने इंडस्ट्रियल
कॉन्क्लेव भी देखी है, उज्जैन में भी जो इससे पहले जो रीजनल कॉन्क्लेव थी वो भी देखी है, और क्योंकि मैं इंदौर में मेरी कंपनी है और बाकी मैं अगर देखा जाए तो मैं सिवनी क्षेत्र से हूँ, तो सिवनी कहीं ना कहीं महाकौशल में ही आता है, तो यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि कुछ आईटी से रिलेटेड या मेंटरशिप एंड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम यहाँ जरूर करेंगे। कनाडाई कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाले रविकांत तिवारी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से उद्योगों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं और कृषि डिफेंस के साथ ही अन्य क्षेत्रों में काफी निवेश हो सकता है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के साथ साथ विदेशों से भी इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं, कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी यहां पहुंचे। सर कहां से हैं आप और आज के कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद क्या लग रहा है, क्या संभावना है? देखिए मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का ही हूं, आई वॉज बॉर्न हेयर, बट मैं ऑन्टेरियो कैनेडा को रिप्रजेंट करता हूँ मुंबई में, तो यहाँ अगर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी संभावनाएं मुझे समझ में आई। सिंस आई बिलोंग टू दिस रीजन मुझे लगा यहाँ आकर मैं देखूँ व्हाट्स हैपनिंग, और काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे इस रीजन में संभावनाएं समझ में आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म। सो आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन फेबररी 2025। उस समय हम लार्ज अपना डेलीगेशन भी लाना चाहेंगे ऑन्टेरियो कैनेडा से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को और आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में रविकांत तिवारी, जो कह रहे हैं कि 2025 तक वो यहाँ पर अपना डेलीगेशन लेकर आएंगे और जो भी भविष्य की संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, अन्य क्षेत्रों में, उसमें निवेश कराने का प्रयास करेंगे। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के टीटी नगर पुलिस थाने के सामने शाम को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। टीटी नगर थाना पुलिस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने कार्यकर्ता बंटी जैन के जन्मदिन के मौके पर थाना परिसर में हनुमान चालीसा की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने पूर्व मंत्री को हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं दी। इससे नाराज होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वही कांग्रेसियों की थाने में एंट्री रोकने के लिए पुलिस ने वहाँ बैरिकेड्स भी लगाए। मध्य प्रदेश में सुंदरकांड को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से अशोका गार्डन थाने में पहले सुंदरकांड हुआ, उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कमिश्नर के यहाँ पहुंचे थे और जो जो थानों में सुंदरकांड कराए जाने की अनुमति जो है वो मांगी थी, और उसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी थाने पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो टीटी नगर थाने में एक अपने कार्यकर्ता के लिए सुंदरकांड करने की मांग जो है वो की थी, लेकिन मांग उनकी मानी नहीं गई, उनको अनुमति नहीं दी गई, और उसके बाद वो जब थाने पहुंचे तो थाने पर बैरिकेड जो है वो कर दी गई थी, जिसके चलते वो थाने परिसर के बाहर ही बैठ गए और बाहर ही उनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ जो है वो किया गया। भाई साहब क्यों ये बाहर ही करना पड़ा, क्या अनुमति नहीं मिली? अनुमति मांगी थी, दी नहीं, तो बाहर ही करना पड़ा। हनुमान चालीसा तो करनी थी हमको। आगे क्या मांगे? आगे हम अनुमतियां मांगेंगे और वहाँ विश्वास सारंग को दिया जा सकता है नरेला में परसों अनुमति उनके लोगों को, तो हमको क्यों नहीं दे रहा, हम अनुमतियां मांगते रहे। ठीक है, बिल्कुल अरुण श्रीवास्तव। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल में धर्मांतरण मामले में पुलिस को फौरन से फंडिंग होने की आशंका है। 20 लाख रुपए तक का लालच देकर धर्मांतरण कराने का खुलासा हुआ है। फॉरेन फंडिंग की भी जांच की जाएगी। पांचों आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट भी जांच किए जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट की जांच के लिए संबंधित बैंक शाखा से संपर्क में है भोपाल पुलिस। बीते दिनों भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में 3 महिला और 2 पुरुषों को अरेस्ट किया था। इनके पास से पोस्टर्स भी मिले थे। हालांकि सभी आरोपियों को नोटिस देकर बेल पर छोड़ दिया गया। गरीब बस्तियों में लालच देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप इन लोगों पर थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को आशंका है कि ये लोगों के साथ तार जो हैं वो विदेशों में भी मिले हुए हैं और विदेशों से इन्हें फंडिंग हो रही थी। अब इन पांचों आरोपियों की बैंक स्टेटमेंट्स की जांच होगी। बैंक स्टेटमेंट्स हासिल करने के लिए बैंक्स के संपर्क में है भोपाल पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुष
शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, धर्मांतरण मामले में पुलिस को शक है कि इन लोगों को फॉरेन से फंडिंग हो रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही पिपलानी थाना इलाके में तीन महिलाओं को हिरासत में लिया गया था और उन पर ही आरोप था कि वो धर्मांतरण के लिए साहित्य वितरण जो है वो सड़कों पर कर रही थी, उसके बाद उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, तो उनके पास से कुछ इस तरह का साहित्य मिला था जिससे ये साफ हो रहा था कि ये धर्मांतरण के लिए काम कर रही है। हालांकि उसके बाद इन लोगों को जो है वो रिहा कर दिया गया था, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में टेरर फंडिंग की आशंका जाहिर कर रही है और यही कारण है कि जिन तीन महिलाओं को पकड़ा था, जिनको हिरासत में लिया था, उनके अब अकाउंट की जांच करने का प्लान जो है वो पिपलानी पुलिस बना रही है। पुलिस को इस तरह की आशंका है क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो साहित्य उनको प्राप्त पुलिस को हुआ था उसमें इस बात का उल्लेख था कि धर्मांतरण के बदले जो है जो लोग धर्मांतरण करेंगे उनको लाखों रुपए देने की बात जो है वो इनके द्वारा कही गई थी। तो ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कुछ लोगों को इन्होंने धर्मांतरित भी करवाया होगा जिसके लिए इनके अकाउंट में फंड भी आया होगा। तो इसी का यही कारण है कि पुलिस अब इसमें जो फंडिंग है फॉरेन फंडिंग है उस मामले की भी जांच करने वाली है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इसी के साथ एमपी अब तक में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। दुकान का पूछा ना, क्यों मचा कोहरा? यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पहचान पर क्यों कलेश? आस्था